तो नाश्ता तो मैंने कर लिया, अभी चाय पियेंगे और फिर आगे के लिए जाएंगे। भैया यहाँ से बिट्टू आश्रम के लिए कितने दूर होगी यहाँ से? दूर खत्म होती है सामने बना। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो बिट्टू आश्रम यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई की मैंने जब से यहाँ पे, पिछले एक हफ्ते से मैं हूँ यहाँ, साफ़ सफाई तो बहुत अच्छा है यहाँ का। सबसे पहले एक चाय पीते हैं बाथ में बैठ के, फिर बिट्टू आश्रम के लिए जाऊँगा मैं। आप ऋषिकेश आए तो आप बोट पर भी बैठ सकते हैं, एक साइड का लेता है 10 रुपीज़ और आपको अगर वापसी आना है तो वो लेंगे 18 रुपीज़। अभी हो सकता है आज मैं दिन के टाइम पर एक बार बोट में बैठ लूँगा, काफ़ी दिनों से मैंने बोट में बैठा नहीं। ब्रेकफास्ट ख़त्म, चाय पी लिया, अब चलते हैं जा। तो सी है गीता भवन, यहाँ से 10 मिनट का होगा वॉकिंग डिस्टेंस। ये भी गीता भवन है, गीता भवन यहाँ पे टोटल है 5, 1, 2, 3, 4, 5। जो आपको मैंने सबसे पहले वाला जो दिखाया था वो था गीता भवन 1, ये था 3 और 2, 4, 5, 5 है इसके अंदर। व्यूअर्स मेरे पीछे ये जो है ये है जानकी सेतु और यह है वेद निकेतन धाम। और मैंने अभी यहाँ का जो गार्ड है ना ये वेद निकेतन धाम की, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे रूम मिल जाता है 500 रुपीज़ होता है पर डे का, और उसमें तीनों टाइम का आपको मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इंक्लूड होता है। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग अगर कभी आते हैं नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे ट्राई कर लेना अगर रूम मिल जाता है तो। और यहाँ पे बचेलर मतलब जो बंदे अकेले है उनको भी मिल जाता है, नॉर्मली आश्रम में ना वो लोग अकेले बंदे को रहने नहीं देते। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो बिट्टू आश्रम है इसका एक नाम है, एक और नाम है उसका नाम है 84 कुटिया। एक्चुअली वहाँ पे 84 ना कुटिया मतलब वो हट टाइप में बना हुआ था पहले का, अभी तो अभी भी होंगे उसमें, एक्चुअल नाम वही था। जब से ये बिट्टू यहाँ पे आके एक्चुअली मेडिटेट किया उसके बाद से बिट्टू आश्रम के नाम से ही वो जो जगह है वो फेमस हो चुका है। तो आप अगर आएंगे यहाँ पे तो अगर आप 84 कुटिया कहेंगे तो भी जो यहाँ का जो लोग है यहाँ के रहने वाले उनको तो पता है, वो लोग आपको बता देंगे कैसे जाना होता है, लेकिन हो सकता है बाहर के कुछ लोगों को पता ना हो उसके बारे में, मतलब वो लोग अवेयर नहीं है कि उसका नाम 84 कुटिया है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है मुझे, गीता भवन जो 1 जहाँ मैंने अभी नाश्ता किया था पीछे वहाँ से ये मुश्किल से 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है।
वैंकूवर से बिटल्स आश्रम के लिए जो रोड है, ये रोड देख के तो मतलब ये रोड तो शायद नहीं बोलना चाहिए कि ये रोड है। थोड़ा जंगल टाइप में है, व्यूअर्स यहाँ के लिए आपको एंट्री फीस भी देना होता है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो व्यूअर्स ये जगह जो है, ये राजा जी टाइगर रिजर्व के जो एरिया है ना, जो बफर एरिया होता है इसका, उसमें आता है ये। हमें जाना है ऊपर। ये देखिए बिल्कुल जो ऋषिकेश सिटी है, सिटी से बिल्कुल मतलब एंड पे है। राजा जी जो टाइगर रिजर्व है 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये है सारे कुटिया, हट जो जिसे कहते हैं। ये जगह है अभी भी, अभी बिल्कुल मतलब एबेंडेंट जिसे कहते हैं, वैसे ही रखा मतलब पड़ा हुआ ये जगह। इसका जो स्थापना किए थे महर्षि महेश योगी जी ने 60s में शायद। इसके बाद जो बीटल्स जो बैंड थे वो लोग यहाँ पे आए, एक्चुअली उनके उसके बाद ही ये जगह ज़्यादा फेमस हो गया। यही वही हाथ है, हाथ की शेप में जो टोटल 84 ऐसे हार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक्चुअली मेडिकेशन पर्पस के लिए जो इनका इस्टेब्लिश किया था महर्षि महेश योगी ने, तो उनका जो आश्रम में जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे ना, उनके मेडिटेशन के लिए जगह बनाया गया था। वेलकम 84 कुटिया राजा जी टाइगर रिजर्व। तो आइए आगे भी चलते हैं। ये जगह ऐसा पोस्ट ऑफिस होता था ये बिल्डिंग। यहाँ पे फोटो गैलरी भी है, आइए फोटो गैलरी पे चलते हैं। ये है महर्षि महेश योगी जी। ।1968 का पिक्चर फोटो है ये।
राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व में जो एनिमल्स बर्ड्स फ्लोरा एंड फौना जो है जो भी है वो यहाँ पे मिलता जो है इसका मतलब इन्होंने पिक्चर डिस्प्ले किया इसमें। और एलिफेंट मतलब तो बाकी तो यहाँ पर बहुत कम होता है एनिमल्स है। तो यहाँ आपको एक छोटा सा कैंटीन भी दिख जाएगा, टॉयलेट्स है, कैंटीन है और कुछ फोटोग्राफी एग्जीबिशन हॉल टाइप में इन्होंने बना रखा है। और आगे का व्यू देखिए, छोटा सा शिव मंदिर यहाँ का। चलिए किचन के अंदर चलते हैं। उस टाइम जो किचन 1960s में जब बना था ये किचन था। ये था किचन और ये देखिए ये धुआं निकलने के लिए ये जगह बनाया गया था उस टाइम। ये जगह बिल्कुल खंडर बन चुका है, लेकिन मुझे लगता है ना इस जगह का मतलब प्रिजर्व करके रखना चाहिए प्रॉपर। मेंटेनेंस इतने ढंग से तो है ही नहीं। व्यूअर्स एक चीज़ तो अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आएंगे ना, इतनी शांति है बिल्कुल नेचर के बीच में। ये यहाँ का प्रिंटिंग प्रेस, ये था योगा हॉल कंस्ट्रक्टेड 1976। दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड एज अ लेक्चर हॉल क्लासरूम फॉर ऑल कंडक्टिंग कोर्सेस। तो आइए योगा हॉल पे भी चलते हैं, मैं भी देख लेता हूँ आपको भी दिखा देता हूँ। यही है बीटल्स जो बैंड है उनका जो मेंबर थे बैंड के, यही चारों। वो है महर्षि जी। व्यूअर्स ये जगह देखिए आप लोग, ये बिल्कुल जंगलों के बीच में है। अभी ये रात को यहाँ पे अगर भालू या लेपर्ड अगर मतलब आने का तो मुझे लगता है आते होंगे। ये शायद इसका बाउंड्री है। देखिए नीचे
जंगल के बीच में महर्षि जी ने ये लैंड एक्चुअली ख़रीद लिया था। उस टाइम हुआ करता था ये उत्तर प्रदेश के अंडर में, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से इन्होंने ये लैंड ले लिया था। यहाँ उन्होंने गार्डन टाइप का बना रखा है, वहाँ पे एलोवेरा का है, एलोवेरा, तुलसी, ये क्या है, सतावर। सतावर क्या होता है? अच्छा ये देखिए, ये है सतावर, ये लेमन ग्रास है, इसमें काफ़ी मतलब ऑल स्पाइसेस है इसमें। अश्वगंधा, यहाँ भी इन्होंने कुछ पौधे लगा रखे हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रॉपरली मार्क नहीं किया यहाँ पे, ये किस चीज़ के, तो एलोवेरा है, बाकी तो मुझे पता नहीं। ये है 10 नंबर 84 कुटिया, इसका नंबर 10 है, देखते हैं इसमें क्या है। टेम्पल लिखा हुआ है, जो 84 कुटिया कहते हैं उसका यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में। लोकल रिवर रॉक से एक हरे सारे एक एक चैम्बर बना हुआ है। जो ये एक एक रॉक है इसमें, ये जो पत्थर है, ये सारे गंगा के किनारे से लाके तब बनाए, मतलब उसको चिपकाया गया इसमें। अच्छा बना हुआ था लेकिन इसमें पता नहीं, इस बिल्डिंग को ढंग से मेंटेन करना चाहिए था। मुझे लगता है अभी भी अगर कुछ हो जाएगा ना तो ये भी बहुत आगे के लिए बहुत सालों साल मतलब ये इसको ये स्ट्रक्चर रह सक नहीं, तो अभी धीरे धीरे तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हमें यहाँ पे बैठने के लिए कुछ बनाया है इन्होंने, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ से गंगा का व्यू भी अच्छा ही रहेगा। ओहो व्यू देखिए यहाँ से, बहुत अच्छा बनाया गया था ये, बट ड्यू टू लैक ऑफ क्या कहते हैं उसको, प्रिजर्वेशन, या इसको ढंग से मेंटेन नहीं
करने के कारण मैं आज ये बिल्डिंग की ये हालत हो गई है। अब देखिए कितना अच्छा बना हुआ है टॉयलेट। अब गवर्नमेंट चाहे तो इसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए इतना अच्छा बना हुआ है। ये देखिए रूफटॉप व्यू। और ये साथ में पीछे जंगल शिवालिक। इसके अंदर चलते हैं। एक्चुअली ये बनाया गया था मेडिटेशन पर्पस के लिए। व्यूअर्स सबको इसके अंदर टॉयलेट भी मिल जाएंगे। बहुत साफ़ सुथरा है। मैं अभी वहीं से होके आया है पूरा टॉयलेट। चलिए अभी नीचे चलते हैं, वहाँ पे कुछ हद से उसके अंदर अभी जाते हैं। बाकी मैं डीपी सिंह ये देखिए ये हट से ऐसा होता था। जैसे एंट्री करेंगे एक छोटा सा टॉयलेट। उसके बाद ये मेन एंट्रेंस होगा। ये और ये फिर हट के ऊपर की तरफ जाने के लिए। बट मुझे लगता है इस पर नहीं चढ़ना चाहिए, ये कुछ ठीक हालत में है, टूट भी सकता है। देखते हैं किसी में अगर स्टेयर सही रहेगा तो मैं ऊपर एक बार ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगा आपको। इसमें देखे कैसा है। अच्छा इसका स्टेयर ठीक है। एक्चुअली ये उनको दिया जाता था जो लोग मेडिटेशन के लिए यहाँ पे आते थे उस पर्पस के लिए, तो उनको स्टे करने के लिए ये हार्ट दिया गया था उस टाइम दिया जाता था। ये मुझे ठीक लग रहा है, क्या इसमें चढ़ सकते हैं।
ये भी देखिए आगे टूटा हुआ है, थोड़ा रिस्की तो है, देखते हैं। थोड़ा रिस्क लेके मैं पहुंच तो गया हूँ। ये सारे जो ये डोम शेप्ड होता है, देखिए ऐसे बनाया था डोम शेप में। अब यहां से देखिए नीचे गंगा दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा, देखता हूँ नीचे जाऊँगा अगर कोई घाट बना होगा तो वहाँ तक। ये है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे आइए, क्योंकि ये थोड़ा ठीक नहीं है, वाले जो स्टेयर्स होते हैं ना यहाँ पे, ये स्टेयर सही नहीं है, तो थोड़ा रिस्की होता है। अब देखिए उस टाइम जब बना हुआ था उस टाइम यहाँ का जो वायरिंग है वो इंटरनल वायरिंग हुआ करता था 1960s में। एक विंडो ये होता था, एक विंडो ये होता था, शेल्फ ये होता था, एक यहाँ पे लाइट के लिए होगा शायद बल्ब का। और ये छोटा सा टनल जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये देखिए स्विच। चलते मैं देखो गंगा के घाट या कुछ रिवर तक कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ से गंगा का व्यू, जानकी सेतु वोरा, यहाँ से राम झूला तो दिख नहीं रहा है, एक्चुअली उधर को टर्न हो गया था ना वहाँ, यहाँ से गंगा जाके नीचे। ये देखिए गंगा यहाँ से एस शेप में है, एस। अब इधर से आ रहे हैं राम झूला जानकी सेतु होके, यहाँ से आके देखिए ऐसे टर्न लिया जो पूरा एस एस के जैसा लग रहा है यहाँ से। अब वो सीधा नीचे नीचे जा रहे हैं। व्यूअर्स आपसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, ये जो हिल है एक्चुअली ये मतलब छोटा सा पहाड़ में है, पहाड़ टाइप में कहीं ही है, इस जगह का नाम है, पहाड़ का नाम है चित्रकूट। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और यहाँ से देखिए कितना प्यारा नज़ारे है गंगा का। इसमें देखिए इसमें जो हट्स है ना उस पर नंबरिंग भी किया हुआ है, ये है 26 नंबर, आपको दिख रहा है क्या? प्यारा लग रहा है ये जगह।
ये 1976 से लेके 78 के बीच में बना हुआ था ये जा रहे जितने सारे ये मेडिकेशन केव्स है। व्यूअर्स, आपको विटल्स आश्रम का ये जो टूर था ये कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तो मैंने वैसे एक्सप्लोर कर लिया ये जगह, तो अभी फिर वापस जाने का है, देखता हूँ आगे कहीं और कोई डेस्टिनेशन अगर मिल जाता है तो फिर अभी जाऊँगा या तो फिर शाम को जाऊँगा, अभी गर्मी भी है यहाँ पे। थैंक्स व्यूअर, थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ मी इन दिस टूर। बाय।